हेलो नमस्कार दोस्तों, आज मैं स्टूडियो में आपको बताने वाला हूँ कि हैपैक के ऊपर आपको जो बुकिंग है वो कैसे करनी है, कंटेनर को आपको कैसे बुकिंग करना है। ठीक है, तो कल वाली वीडियोज अगर आपने नहीं देखी जिसमें आपको मैं रेट्स आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आपको रेट चेक करना है और उसके बाद आपको बुकिंग सबमिट करनी है, तो अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उसका लिंक दिया हुआ है, वहां जाके वो वीडियो देख सकते हैं। और उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है उसके अंदर बुकिंग कैसे सबमिट करना है, तो इस वीडियो में आपको मैं वही बताने वाला हूँ कि आपको बुकिंग कैसे सबमिट करना है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे नई नई वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल पाए, क्योंकि इस चैनल पर मैं फ्रेट फाउंड से रिलेटेड सारा कुछ डॉक्यूमेंटेशन आपको प्रैक्टिकली आपको सिखाता रहता हूँ और आपको इसके बारे में कुछ भी अपडेट आता है वो भी आपको देता रहता हूँ। तो साथ में एक चीज और बता देता हूँ, अगर आप ऑनलाइन कोर्सेज आप ज्वाइन करना चाहते हैं फ्रेट फाउंड से रिलेटेड, हम लोग ऑनलाइन क्लासेस भी देते हैं जिसमें एवरी मंथ हम लोग संडे टू संडे हम लोग क्लासेस देते हैं, जिसमें आपको प्रैक्टिकली हम लोग सारा कुछ जितना ही फ्रेट फॉरवर्डिंग के बारे में जो भी डॉक्यूमेंटेशन होता है वो सारा कुछ हम लोग प्रैक्टिकली करके आपको बताते हैं। अगर आपको ज्वाइन करना है तो डेस्कटॉप पे जो नंबर देख रहे हैं वो मेरा डायरेक्ट पर्सनल नंबर है, तो बेझिझक आप कॉल कर सकते हो, कोर्स के बारे में जो भी डिटेल आपको चाहिए वो आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। अगर आप कॉल करना चाहते हैं तो कॉल पे भी आपको सारी डिटेल आपको बता दी जाएगी। अगर आप फ्रेट फॉरवर्डिंग की बुक परचेज करना चाहते हो वो मेरी खुद की लिखी हुई है, अगर आप उसे परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मेरे को कॉल कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं डेस्कटॉप पे चल के आपको मैं बताता हूँ कि किस तरीके से हैपैक पे हमें कंटेनर बुक करना है, तो प्रैक्टिकली आपको पूरा बताऊंगा कि स्टेप बाय स्टेप, वीडियो पूरे देखिएगा तभी आपको समझ आ पाएगा, क्योंकि उसमें कई चीजें रह जाती हैं तो आप लोग जो उसे मिस कर देते हैं, तो वीडियो पूरा देखिएगा तभी आपको समझ आ पाएगा। चलते हैं हम लोग डेस्कटॉप पे और वहां चल के आपको बताता हूँ किस तरीके से आपको कंटेनर बुक करना है। तो देखिए हम लोग स्क्रीन पे आ चुके हैं डेस्कटॉप पे, और जैसे ही आप हैपैक लॉगिन के लिए आप जब पेज पे जाएंगे तो ये आपका होम पेज है। ठीक है, इसके बाद हमें यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। इसका पहले आप रजिस्ट्रेशन वगैरह आप शिपिंग लाइन से आप करवा सकते हैं ऑनलाइन इसके कस्टमर सर्विस से बात करके, उसके बाद रजिस्ट्रेशन आपका एक बार कंपनी का हो जाएगा तो उसके बाद आप यहाँ पे इसका जो लॉगिन आईडी आपको मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद आप रेट्स वगैरह चेक कर लेंगे, रेट्स वाली वीडियोस आप डिस्क्रिप्शन में आप उसका लिंक दिया हुआ वो आप चेक कर सकते हैं। तो रेट्स के बाद हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है हमें कंटेनर बुक कैसे करना है उस रेट्स पे। ठीक है, देखिए अगर कल हमने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा, और उसके बाद जैसे हम लोग वो रेट्स चेक करते हैं तो हमारी कोटेशन जनरेट होती है। आपने नहीं देखी होगी तो एक कोटेशन मैं आपको दिखा देता हूँ, जो हमारा कोटेशन नंबर था तो वो कोटेशन नंबर यहाँ पे हमें शो कर रहा होगा, अभी मैं दिखा देता हूँ आपको, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देखेंगे ये हमारा कोटेशन नंबर था, मैंने जेवल अली का रेट चेक किया था। ठीक है, अब एक तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, जैसे आप रेट चेक करेंगे तो आपकी कोटेशन नंबर ये कोटेशन नंबर है। ठीक है, तो ये कोटेशन नंबर जनरेट हो जाएगा, उसके बाद ये आप बुकिंग का ऑप्शन देख रहे हैं। अब क्या है कि थोड़ा सा वेबसाइट सब जो सभी शिपिंग लाइन की वेबसाइट्स है वो काफ़ी हद तक चेंज हो गई हैं, तो इसीलिए दोबारा से मेरे को ये वीडियोज़ बनानी पड़ रही हैं, और क्योंकि कई लोग क्या कन्फ्यूज़ हो जा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं और कैसे बुक करना है क्या, तो वो नहीं समझ पा रहे हैं, तो मैं इसीलिए दोबारा सभी शिपिंग लाइन के रिलेटेड सारी वीडियोस दोबारा बनानी पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पे हम लोग कोटेशन हमारी जनरेट होगी, यहाँ पे हमें बुक पे क्लिक कर देना। ठीक है, बुक पे क्लिक करेंगे तो बुक पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा ये सिक्योरिटी चेक का ऑप्शन है, इसमें थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए आप पहला ऑप्शन जो आएगा आपका ये ऑप्शन है, आपका एक कोटेशन नंबर जो आपने क्लिक किया वहाँ पे, यहाँ पे कस्टमर रेफरेंस नंबर में आप खाली भी छोड़ सकते हैं, अदरवाइज अगर जिस भी शिपर के लिए जिस भी एक्सपोर्टर के लिए आप बुकिंग ले रहे हैं तो उसका नाम भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे रेफरेंस के लिए डाल देना, ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं नाम डाल देता हूँ और उसके बाद हम लोग ये नेक्स्ट का ऑप्शन जो देख रहे हैं यहाँ पे हमें नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपका कोटेशन नंबर ये है। ठीक है, और ये आपका नीचे जो ऑप्शन देख रहे हैं आप, यहाँ पे सिलेक्ट रूटिंग हमें यहाँ पे क्लिक कर देना है इस पर, और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो आएगा, उसके बाद यहाँ पे आप लुकअप शेड्यूल पे आप आ जाएंगे। ठीक है, आप जैसे उस पर क्लिक करेंगे सिलेक्ट रूटिंग के, लुकअप शेड्यूल पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे जो नेक्स्ट ऑप्शन आप देखते जाइए। काफ़ी हद तक वेबसाइट चेंज हुई है, अब तो थोड़ा सा दिक्कत आती है। तो अब देखिए आप जैसे यहाँ पे आप देखेंगे, पहला तो आपको मैं यहाँ बता देता हूँ, आप यहाँ देखेंगे आपका जो वेसल का जो प्लानिंग है, मतलब प्लस 4 4 वीक का, आगे आज जो आप बुकिंग सबमिट करें उससे अगले 4 हफ्ते तक का आपको वेसल यहाँ पे दिखाई दे देगा। ठीक है, यहाँ पे आप कम भी कर सकते हैं, 5 का भी कर सकते हैं, 6 हफ्ते का भी आपको चाहिए प्लानिंग तो यहाँ पे वो भी आ जाएगा। ठीक है, तो हमें ज़्यादा लंबा नहीं करना है, हमें सिर्फ 2 हफ्ते पहले बाद का हमें वैसल चाहिए। ठीक है, तो हमें
दो या चार जो भी हमें चाहिए उस हिसाब से हमें यहाँ पे कर देना है, ठीक है। और उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये हमारा दादरी मतलब आईसीडी का नाम है, और ये हमारा पोर्ट ऑफ लोडिंग जहाँ से जो हमारा वेसल है लोड होना है, ठीक है। और ये हमारा वेसल का नाम है, और यहाँ पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज जहाँ पे वेसल जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो वेसल की रूटिंग वगैरह आप जब रेट चेक करेंगे, मैंने आपको पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी वो एक बार वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद आप इस वीडियो पे आइएगा, ठीक है। तो हमें कौन सा वेसल हमें सपोर्ट कर रहा है, हमें कौन सा वेसल हमें चेक करना है, तो आप देख लीजिएगा आपकी वैलिडिटी कब तक है। वैलिडिटी आप जो कोटेशन है हमारी, जो हमने अभी जो कोटेशन जनरेट की थी आपने, तो वो उसकी वैलिडिटी एक बार देख लीजिएगा कब तक की है। तो उस वैलिडिटी के अंदर हमारा जो वेसल का लोडिंग का जो टाइम है, ये जैसे हमारा 30 तारीख तक की वैलिडिटी थी, तो हमारा जो वेसल लोड होगा उस डेट से हमारा जो काउंट होगा, ठीक है। अगर हम 2 तारीख का वेसल लेंगे तो 2 तारीख के वेसल के बाद हमारी ये कोटेशन नहीं होगी, जो नया रेट जो इसका होगा शिपिंग लाइन का वो रेट आएगा, ठीक है। तो हमें कोटेशन मतलब जो हमें वेसल देखना है वही वेसल देखना है जो हमारी कोटेशन के अंडर हो, मतलब ठीक है ये वाली डेट देखनी है आपको। हमारी 30 तारीख तक की थी वैलिडिटी, और उसके अंडर जितने जो भी वेसल आएगा उस पर आप बुकिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें इस पर बुकिंग करनी है, इस पर क्लिक करके हमें सेलेक्ट फॉर रूटिंग पे हमें क्लिक कर देना है, ठीक है। इसके बाद हमें थोड़ा सा वेट करना है। हम यहाँ पे आ गए, ठीक है, हमारा ये हो गया सारा काम। यहाँ पे हमें नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, यहाँ हमें कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे कितने कंटेनर चाहिए, 1, कौन सा कंटेनर चाहिए, 20 40 या 40 I³, जो भी है 40 फिट है या 40 I³ है, और ये 20 फिट कंटेनर है, 20 फिट चाहिए, ठीक है। यहाँ पे रिलीज डेट, अब रिलीज डेट आप वो डाल डेट है जो इस दिन आपको कंटेनर मिलेगा, जैसे आज हमारे 18 तारीख को मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप इसमें 19 तारीख डाल देंगे और भले ही बुकिंग आपकी आज आ जाए, तो आज आपको कंटेनर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपको डेट ये देख लेनी है, अगर आप इसमें क्या है, जिस दिन आप डेट डालते हैं तो उससे 3 दिन आपका कंटेनर पिकअप के लिए आपको इतना परमिशन होती है, ठीक है। जैसे आप आज 18 तारीख डालेंगे तो 18 का आज सेम डेट डालते हैं, ठीक है, आज का डालते हैं 18 19 20, 20 तक आपको कंटेनर मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आप 20 तारीख डालते हैं पिकअप डेट, तो 20 21 22 3 दिन वैलिड रहेगा, ठीक है, जिस दिन आपने पिकअप डेट डालना है। तो आप देख लीजिएगा आपको कब कंटेनर पिक करना है, तो उस हिसाब से यहाँ पे डेट डाल देनी है, ठीक है। तो मैं आज यहाँ 18 तारीख डाल दे रहा हूँ, और यहाँ पे आपका 0 भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन में आप कार्गो का नाम डाल सकते हैं, राइस वगैरह जो भी आपका कार्गो नेम है वो आपको यहाँ डाल देना है। HS कोड डालना चाहते हो डाल सकते हैं, वरना यहाँ पे आपको असाइन डिटेल पे आपको क्लिक कर देना है। तो थोड़ा सा हमें यहाँ वेट करना पड़ेगा। सॉरी, यहाँ पे डेट आज का नहीं डालना है, मतलब कई बार क्या एरर आ जाता है, तो यहाँ पे आप देखेंगे डेट कैन नॉट बी इन पास्ट, तो आई थिंक हमें आगे का डालना पड़ेगा, या आज का दिन तो निकल गया ना, तो हमें 19 तारीख डाल देनी है, ठीक है। और यहाँ पे असाइन डिटेल पे क्लिक कर देना है। कई बार ये थोड़ा एरर भी आता है, तो एक बार इसको दोबारा भी डाल के देख लीजिएगा, कई बार वेबसाइट्स में ऐसा आ जाता है, हमेशा नहीं होता, कई बार मतलब कभी कभी होता है। तो अब हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस में जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमें देखिए हमने जो भरा था यहाँ पे रिलीज डेट एम्प्टी डेट, तो यहाँ पे हमारा हो गया। और उसके बाद यहाँ पे अगर यहाँ पे कार्गो ग्रॉस वेट हमें डालना है पर कंटेनर कितना होगा यूनिट्स, यहाँ पे आप KGS में आप डाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, अगर आप यहाँ पे HS कोड डालना चाहते हैं डाल सकते हैं, वरना इसको खाली भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब हम लोग इस वाले पेज पे आ गए हैं, और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ में कुछ नहीं डालना है। अब हमारा ये जो इसका प्रीव्यू है बुकिंग का, ठीक है, आपको यहाँ प्रॉपरली आपको डिटेल्स है वो चेक कर लेनी है, जो डेट्स हैं वो डेट्स एक बार चेक कर लेनी है, उसके बाद आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। मैं अभी सबमिट पे क्लिक नहीं करूँगा, क्योंकि इसमें कैंसिलेशन चार्जेस कई बार आ जाते हैं, तो सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए आपको ये वीडियो बनाई मैंने आपको, कि आपको प्रॉपरली आपको पता लग पाए कि आपको बुकिंग कैसे सबमिट करनी है, ठीक है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, इसके बाद का भी मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपका एक बुकिंग नंबर जनरेट होगा, और उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा इसकी बुकिंग कॉपी आने का। बुकिंग कॉपी आपको इसका जो
रजिस्टर्ड ईमेल आईडी उस पर मिल जाएगी, और उसके बाद आप जो शिपर है या एक्सपोर्टर है, जो भी आपका कस्टमर है, उसको आप ये बुकिंग दे सकते हैं कंटेनर पिकअप के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत बेटर तरीके से आपको समझ आया होगा, अच्छे से समझ आया होगा कि अगर आपको कंटेनर अगर आप हैपैक पे बुक करना है तो किस तरीके से करना है। तो वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी नई नई वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल पाए। तो इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।